पूर्णिया में अब आरोपी को पुलिस नहीं बल्कि खुद पीड़ित करेगा गिरफ्तार। पुलिस से बार बार गुहार लगाकर थक चुके युवक ने खुद उठाया कदम। पुलिस को आईना दिखाने को युवक ने उठाया साहसिक कदम। पूर्णिया के लोगों को अब पूर्णिया पुलिस पर भरोसा नहीं रहा है। पुलिस से बार बार गुहार लगाकर थक चुके पीड़ित ने अब खुद आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंप रही है। इससे पुलिस की मेहनत और गाड़ी के पेट्रोल की भी बचत हो रही है। दरअसल पूरा मामला भवानीपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। छठ पूजा की शाम झारखंड पुलिस के जवान की पीट पीट कर कुछ लोगों ने हत्या कर दी, जिसके बाद मृतक के भाई ने 6 लोगों को अभियुक्त बनाया था। पीड़ित ने बताया कि चूंकि उसका भाई पुलिस में था तो उसे उम्मीद थी कि पुलिस उसकी मदद करेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। पीड़ित ने बताया कि सभी आरोपी खुलेआम घूम रहे थे और उसे धमका भी रहे थे, जिसकी सूचना पीड़ित भवानीपुर थाना को दे रहे थे। वही पुलिस सभी को भगोड़ा बताकर गिरफ्तार करने का आश्वासन दे रहे थे। वहीं आज मृतक का भाई किसी काम से लाइन बाजार आया तो एक आरोपी सामने से आता दिखा, जिसके बाद उसे पकड़कर हल्ला करने लगे, जिसके बाद लोगों के सहयोग से उसे पकड़ा गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही केहाट पुलिस आरोपी को पकड़कर थाना ले आई और भवानीपुर पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं इस घटना के बाद भवानीपुर पुलिस के कार्यशैली पर उंगली उठने लगी है। इसे पूर्व भी जब घटना घटी थी तब भी भवानीपुर पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी नहीं की। वहीं जब पुलिस जवान की मौत हो गई तब भी चैन की नींद सोई रही, जिसका नतीजा ये घटना है। मामला ये था, भैया आए थे छठ पूजा में छुट्टी लेके झारखंड पुलिस है और पूर्व रंजिश में, क्या नाम है भाई? भाई का मुकेश कुमार यादव, पूर्व रंजिश। ये लोग घात लगाए हुए थे, छुट्टी में कम आते थे। पूर्व रंजिश एक केस चल रहा था इन लोग का परिवार में, उसी में ये लोग बोला केस उठाओ नहीं तो मार देंगे, पहले से ही धमकी दे रहे थे। छठ में आया, मौका मिल गया, सुबह छुट्टी से चला जाता छठ पूजा करके, और शाम में 7:30 बजे तकरीबन ये पूरा परिवार लोग आया। मेरे भैया को लाठी डंडा लोहा का रड से माथा चूर चूर कर दिया था 4 दिसंबर को MX-7 में भर्ती थी डेट कर गए। उसके बाद ये लोग खुलेआम घूम रहे थे। आज हम लोग इसको देखे लाइन बाजार में, हम भी कुछ काम से आए हुए थे पूर्णिया, इनको देखे तब इनको पकड़े और स्थानीय पुलिस के हाट को इसके बारे में सूचना दिए। ये विभाग सुधाकर कुमार मुख्य अभियुक्त है। ये लोग यही मारा था पहला, जो है ना दूसरा बांस का टुकड़ा से यही वार किया था। विवाद पुराना था, पुराना अपहरण वाला केस था, उसी में चल रहा था। ये लोग केस उठाने के लिए बोल रहे थे, उसी में उसी को लेकर आया और द्वार पे भैया और हम लोग दरवाजे पर बैठे थे, घर में घुस के दरवाजे पर घुस के चारों बगल से घेर लिया, मारना स्टार्ट कर दिया। उस समय क्या आपके अकेले थे? आज मारा नहीं, हम भी थे, भैगना सब था जी, सब दरवाजा पर थे। इंडिया और मैच था लास्ट वर्ल्ड कप का, ये सब आदमी दरवाजा पर देख रहे थे और हम भैया से बातचीत कर रहे थे। आया सब, हम वहाँ पे साइड हो गए, नहीं तो हमको भी मार देता, हम बचे। अधमना कर दिया पूरा जी। लोग कितने लोग थे? 6 आदमी, 6 अभियुक्त हैं, जो कि विभाकर कुमार फर्स्ट गिरफ्तार हुआ, दूसरा गिरफ्तार सुधाकर कुमार, दोनों भाई गिरफ्तार हो गया। अभी भी 4 अभियुक्त फरार हैं, जो कि भवेश कुमार, पिता अनुरोध यादव, अमर कुमार, पुल्ठू यादव, अमोद यादव और छोटू कुमार, ये 4 अभियुक्त अभी भी फरार हैं। और ये लोग लगातार हम लोग को धमकियां दे रहे हैं, हम लोग का परिवार उजाड़ दिया, हम लोग बेघर हो गए, हम लोग अकेले हैं और हम लोग उस तरह के प्रवृत्ति के लोग नहीं है। हम खुद पत्रकार हैं भवानीपुर प्रखंड से और हमारा भैया झारखंड पुलिस में थे, भाभी बेसुध है, वो उनका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है। हम पर ये 1.5 महीना तकरीबन चल रहा था, 19 नवंबर को कांड हुआ, तभी से ये फरार चल रहा है। पुलिस मतलब पुलिस की गिरफ्त से फरार है तो वो भी प्रयास कर रहे थे, पकड़ नहीं सकते थे। तो हम लोग इनको गुप्त सूचना मिला था ये पूर्णिया में रहेगा, हम लोग चारों बगल आदमी हम लोग थे इसको
शिकार में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बमन कुमार और वहाँ पुलिस अध्यक्ष से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमको न्याय दीजिए और चारों अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए, तब हम लोग सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो हम लोग का भी कभी भी कोई भी अन्याय हो सकता है, घटना हो सकता है, मर्डर हो सकता है। इन लोग का यही नारा है, पूरा परिवार को उजाड़ देना, इन लोग का यही है, निवेदन करते हैं। पिता का नाम क्या है? भीम यादव। मेरे पिताजी भी SI थे, हम लोग देश सेवा करना चाहते हैं, देश सेवा में रहते, पिताजी भी एक्सपायर कर गए, हम लोग बेघर हो गए। यही कहाँ घर हुआ? माधव नगर भवानीपुर। आप पे जो आरोप लग रहा है, आपसी जो है ना सर, आपसी प्रधानमंत्री के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, ठीक उसी में जो है थोड़ा बहुत जो है मिस से इनके भाई बम कुमार यादव की भाई मुकेश यादव को लाठी लगे हुए हैं, जिसके कारण हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। हमारा कोई भी किसी भी थाना पूरा बिहार में कहीं क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, देख सकता है। मुख्य अभियुक्त तो आप ही हैं इसमें? मुख्य अभियुक्त में फंसाया गया है सर। फंसाया गया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधाकर। कहाँ घर हुआ आपका? माधव नगर।